तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर आपको हम अपडेट भी दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, अगर बात की जाए, हालांकि सुबह से हम अलग अलग कहानी किस्से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बात की जाए, राजनीति को आपने बेहद करीब से देखा है, ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा कोई किस्सा जो दर्शकों के साथ साझा कर सके, और आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या कुछ थे? नहीं, देखिए, मैं अगर इंडिविजुअली अगर मेरा देखा जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, राजनीति में बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे अच्छे नेता पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी पारी को, अपनी राजनीतिक पारी को बहुत अच्छे तरीके से खेला, कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे। लेकिन त्याग से परिपूरित अगर राजनीति देखा जाए, अगर आदर्शों की राजनीति देखा जाए, और जहाँ निज स्वार्थ से परे राजनीति अगर देखा जाए, तो ऐसे कोई नेता जो अगर हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और आजाद भारत के इतिहास में एक और ऐसे नेता हैं, इन दो नेताओं को छोड़ के ऐसा कोई राजनीतिक मिला नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि राजनीति कभी भी उनके ऊपर हावी नहीं हो सकी। उनके मूल्य और उनके सिद्धांत हमेशा राजनीति को मार्गदर्शित करते रहे। उदाहरण बहुत से पड़े हैं, एक सीट के लिए चाहते तो वो समझौता कर सकते थे, एक सीट को बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि अटल बिहारी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, राजनेता से ऊपर की भी पदवी होती है, एक पराकाष्ठा होती है, जिनको कि आप राजनीतिक संत बोल सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं था, उनका उद्देश्य राजनीति तो मात्र एक साधन मात्र था उनके लिए। राजनीति के बहाने वो राजनीति में जो शुचिता की जरूरत थी, जो स्वच्छता की जरूरत थी, जो सिद्धांत परक राजनीति की जरूरत थी, राजनीति में जो राजनीति सिद्धांत विहीन हो गई थी, उसको फिर से मूल्यवान बनाना, अगर ऐसा कोई पुरोधा था, अगर कोई ऐसा महापुरुष था, भले ही वो राजनैतिक के रूप में, राजनेता के रूप में, अगर कोई ऐसा महापुरुष था जिसने राजनीति में सिद्धांतों की, मूल्यों की, वैल्यू की फिर से प्रतिष्ठापना की, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसके एक नहीं, कई उदाहरण है, कई वक्तव्य उन्होंने दिए हैं। और इतना नहीं कि वो केवल बोलते थे, सुनते थे या सुनाते थे, वो प्रैक्टिकल राजनीति के प्रैक्टिकल तरीकों से, प्रैक्टिकल जीवन में भी उन चीजों को उन्होंने उतारा और करके दिखाया है। सत्ता, वो कभी भी सत्ता के गुलाम नहीं थे, सत्ता उनके पीछे भागती थी, पावर उनके पीछे भागती थी। इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन देश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत कम राजनेता या पार्टियां आपको मिलेंगी। आप देखिए, रोज टीवी पे डिबेट हो रही है, सारी चीज हो रही है, लोगों की विचारधारा, राजनेताओं की विचारधारा को आप समझिए। एक सीट जीतने के लिए लोग कहां कहां से, क्या क्या, किन किन चीजों से, किन किन मूल्यों से, हजारों साल की जो हमारी, हमारे जो मूल्य रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सिद्धांत रहे हैं, लोग तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, लोग समझौता कर लेते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का यही एक ऐसा कैरेक्टर है, यही एक ऐसा सिद्धांत है, उनका व्यक्तित्व है, जो उनको दूसरे राजनेताओं से अलग करती है, जो उनका कद इतना मजबूत और इतना ऊंचा करती है कि बड़ी बड़ी पार्टियां भी उनके पीछे छूट जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी जी से थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहचान भारतीय जनता पार्टी से थी? आप एकदम कॉमन एक एग्जाम्पल लीजिए, नेताओं की पहचान उनके पार्टी के कारण होती है। किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, बोला ये जाता है कि भाई ये उस पार्टी के नेता है या मेंबर है या एमपी है। लेकिन ये एक ऐसा बिरला उदाहरण है जहां पे कि बीजेपी को अगर जाना जाता था तो अटल बिहारी वाजपेयी के कारण जाना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक सक्रिय राजनीति में थे, नाम पहले उनका आता था, पार्टी का बाद में आता था। मैम,